नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्वेंट शिक्षा पर। और आज हम जो हमने कल वीडियो डाली थी उस पर आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है धीरे धीरे, और YouTube भी हमारी मदद कर रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ठीक है ना। तो आज हम लोग नई वीडियो आपको बताने जा रहे हैं जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथ में, जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का टॉपिक है। इससे आपके लगभग 10 से 12 नंबर के MCQs और जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे जो हैं पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे हम नई नई वीडियो और आपकी ओर लिए लाते रहेंगे, ठीक है ना। सपोर्ट ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, इसलिए सभी लोग सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं कॉपी की तरफ और देखते हैं, बड़े ही आसान ट्रिक में, बड़े ही आसान शब्दों में छोटे छोटे ट्रिक के सवाल दिखाएंगे। चलते हैं कॉपी की तरफ, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल कॉन्वेंट शिक्षा। हाँ तो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका YouTube चैनल कॉन्वेंट शिक्षा और कॉपी पर उसकी, ठीक है ना। तो मैं आपको बड़े शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो आपका कम से कम 10 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो लास्ट देखिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या को जो हम लिखते हैं वो आर से लिखते हैं, स्मॉल आर से, ठीक है ना। तो त्रिज्या हमारी कितनी दी गई, 4 सेंटीमीटर दी गई, ठीक है ना। और ऊंचाई को हम लिखते हैं स्मॉल एच से, एच कितना दिया गया, 14 सेंटीमीटर दिया गया। ध्यान समझियो प्यारे बच्चों, तो कह रहा है बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करियो। भैया क्या ज्ञात करना है, बेलन का वक्रपृष्ठ। तो यहां पे लिख लेंगे हम बेलन का वक्रपृष्ठ, ठीक है। सूत्र क्या होता है, वक्रपृष्ठ बराबर सूत्र आपका होता है 2πRh, ये फॉर्मूला आपका है, ठीक है ना। तो 2 का 2 लिख दे, पाई का मान हमारा क्या होता है, पाई बराबर हमारा होता है 22/7, या इसी को लिखते हैं 3.14, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लिख देंगे 22/7, ठीक है ना। आर हमारा कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है। और एच हमारा दिया है 14, तो 7 × 7 = 14, ठीक है। 2×22×4×2 इतना बचा, तो 22×44 और 4×8, तो 44×8 जो आपका होगा वो होगा 352 सेंटीमीटर। कैसा लगा बच्चों, ठीक है ना, बड़े ही आसान शब्दों में है, ठीक है। और आपका ये 2022 में पूछा भी गया है, ट्रिक समझ में आ रही ना, धीरे धीरे इसको आसान ट्रिक में समझ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या, फिर बच्चा वही है, एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या आर बराबर कितनी है, 7 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर मतलब उसको सीधी उसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई h बराबर है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मान कोई बेलन दिया गया है, ठीक है, तो वो बेलन जो दिया गया तो उसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है, ठीक है ना। तो 8 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी, और त्रिज्या आर बराबर कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया। तो कह रहा है बेलन का वक्रपृष्ठ निकालो बच्चों, तो बेलन का वक्र पृष्ठ सूत्र अभी क्या बताया बच्चा, 2πRh, क्या है, 2πRh, ठीक है। 2π का 22/7 इंटू आर हमारा कितना दिया है, 7 दिया है, और h हमारा दिया है 8, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, या आप क्या बचेगा, 2×22×8, 22×44, ठीक है। तो 44×8 ये हो जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ गए ना। अगला सवाल, एक कोई शंकु के आधार की त्रिज्या, कोई शंकु दिया गया, शंकु मतलब समझ रहे हैं ना, कोण, कोई कोण दिया गया है, तो उसके आधार की त्रिज्या कितनी है, आर बराबर दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। अब इसको पॉइंट में थोड़ा दिक्कत होगा करने में, तो इसको हम क्या करते हैं, पॉइंट हटा देंगे। जब पॉइंट हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 35, अब एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे हो जाएगा एक डिजिट, तो 5×10, 5×7, 35, यानी हमारी आर बराबर कितनी आ गई, 7/2 आ गया, ठीक है ना। तो आर बराबर 7/2 हो गया, एच बराबर हमारा कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा शंकु की त्रिज्या ऊंचाई निकाल भैया, क्या निकालना है, शंकु की
तिर्यक ऊंचाई। सूत्र भैया क्या होगा, एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा हो गया, ठीक है ना। तो एल बराबर अंडर रूट आर हमारा कितना दिया है 7/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एच हमारा कितना दिया है 12 का स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 × 49 और 2 × 2 = 4 प्लस 12 बराबर होता है 144, ठीक है। तो L बराबर क्या हो जाएगा, 144 होके जितना आएगा उसमें हम क्या करेंगे 49 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल 625/4। और 625 का वर्ग कितना होता है, 625 का वर्ग होता है 25 और 4 का वर्ग हो जाएगा 2, ठीक है। इसको जब हम काटेंगे तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, 1 बचा पॉइंट लगाया, 2 × 5 = 10, यानी 12.5 सेंटीमीटर। अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई बच्चा, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, समझ गए। अगला सवाल, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 π² है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो गोले का आयतन, तो आयतन ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या मान लेंगे, तो हम यहां पे मानेंगे, माना गोले की त्रिज्या कितनी है आर सेंटीमीटर है, कितनी है तो आर सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि अब आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के सबसे पहले क्या दिया, गोले के वक्रपृष्ठ की माप तो क्या दिया गया हमारा, तो गोले के वक्र पृष्ठ की माप बराबर क्या हो गया 4 π² सेंटीमीटर, ठीक है। वक्रपृष्ठ के सूत्र क्या होता है 4 π² r², ठीक है। तो हम लिख देंगे किसके बराबर है, 36 π के बराबर है, ठीक है ना। तो 4 π r² बराबर क्या हो जाएगा 36 π, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, 4 × 4 = 4, 4 × 9 = 36, तो आर स्क्वायर बराबर कितना बचा 9 बचा, ठीक है। तो r बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 9, तो r बराबर हमारा आ जाएगा 3, 3 हमारी क्या आ गई त्रिज्या आ गई, समझ गए ना। अब कह रहा है कि गोले का आयतन निकालो, तो गोले का आयतन सूत्र क्या होता है बच्चा, 4/3 π r³, ठीक है। तो 4/3 × π × r हमारा कितना दिया है 3 दिया है, तो 3³ हो जाएगा। तो 4/3 × π × 3 × 9 = 27, यानी हो जाएगा 3 × 3 × 3, ठीक है। तो हमारा कितना बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4π × 3³, ठीक है ना। तो 9 × 36 π, टोटल कितना आ गया हमारा 36 π² सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट आंसर, समझ गए ना, बहुत ही इजीली से बता रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है बच्चा, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 है, कितनी है 24 सेंटीमीटर है, तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करो भैया। उसी सेम तरीके से करना है, तो हम क्या कर लेंगे सबसे पहले कि माना शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है आर सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब कह रहा है शंकु के वक्र पृष्ठ जो है, शंकु के आधार, ठीक है, कि परिधि बराबर है किसके, तो शंकु 2π r बराबर क्या हो जी किसके बराबर है 24π के, ठीक है। और r हमारा कितना दिया है, तो 24 जब दिया है तो क्या हो जाएगा
पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, दो एक कम दो, बारह दुना चौबीस, तो आर हमारा कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चा, ठीक है। और एच हमारा कितना दिया गया है, एच हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है सूत्र, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर हमारा कितना दिया है 12 का स्क्वायर, और इंटू एच कितना दिया है 5 दिया है, 1/3, तो 1/3 इंटू पाई 12 बरहियम हो जाएगा 144, ठीक है। या इसको हम काट देते हैं 12 × 12 × 5, ठीक है। 3 × 3, 3 × 12, तो हो जाएगा यहाँ बचेगा आपका पाई इंटू 4 × 12 × 5, ठीक है। तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा, और 60 × 240 यानी हो जाएगा ये 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, समझ गए ना, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है भैया, एक अर्धगोलीय प्याले में कितना पानी आ सकता है जब उसका व्यास कितना है 6.3 सेंटीमीटर, यानी कोई अर्धगोला दिया गया है, ठीक है। तो अगर उसका व्यास हम मान लेते हैं, व्यास कितना है 6.3 सेंटीमीटर है, तो उसमें कितना पानी हम ला सकते हैं, ठीक है। तो व्यास हमारा दिया गया है, व्यास बराबर कितना है 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। जब सेंटीमीटर दिया है पॉइंट हटाओ, तो पॉइंट हटाओगे तो हो जाएगा 63/10, ठीक है सेंटीमीटर। फिर निकालेंगे त्रिज्या, तो त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा 1/2 × व्यास का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 63/10, ठीक है। तो 63 × 1 = 63 और 10 × 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हमारा हो जाएगा आयतन का सूत्र हो जाएगा, आयतन का सूत्र हमारा क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 2/3 इंटू पाई का मान कितना है 22/7 है, और आर हमारा कितना है 63/20 इंटू 63/20 इंटू 63/20। फिर हम क्या करेंगे 3, 7, 20, 20 का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आएगा 2000, ठीक है। फिर 2000 करने के बाद जब न्यूमरेटर है उनको हम सेम कर लेंगे, ठीक है। जब न्यूमरेटर सेम करेंगे तो इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 130,977, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 65.49 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा हो गया राइट आंसर, समझ गए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।